हाल ही में शिरोमणि अकाली दल बादल से नाराज होकर टकसाली अकाली नेताओं द्वारा बनाई गई शिरोमणि अकाली दल को उस समय और बल मिल गया जब पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दविंदर की ज्वाइनिंग पार्टी के बड़े नेताओं ने जालंधर के प्रेस क्लब में करवाई। पार्टी के नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने बताया कि बीर दविंदर के आने से पार्टी को काफी फायदा होगा। शिरोमणि अकाली दल बादल व भाजपा के साथ हुए गठबंधन के चलते पार्टी का जो पंथक एजेंडा था वह खत्म हो चुका है। यह कहना है शिरोमणि अकाली दल टकसाली का दामन थाम चुके पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह का। उनका कहना है कि वह करीब 4 दशक से राजनीति में है और इस 40 सालों में वह शिरोमणि अकाली दल टकसाली के सभी नेताओं के साथ व उनके खिलाफ राजनीति में रहे हैं, लेकिन जब से राजनीति का व्यापारीकरण अपराधीकरण बादलों व कप्तान अमरिंदर सिंह ने किया है, तब से लगता है कि राजनीतिक व पंथक मुद्दों को बरकरार रखने के चलते मैं शिरोमणि अकाली दल टकसाली का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी में मुझे जगह दी। इनू मोड़ के सही स्पिरिट दे विच डेमोक्रेसी नू कायम करना, सही ट्रेडिशंस दे नाल इनू मोड़ के लियाउणा, ते ये बहुत वड्डी इस वेले चुनौती है। ते खास करके श्रोमणी अकाली दल कोल तां पास तां ये भी चुनौती है कि असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू भी लिबरेट कराउणा हैगा, क्योंकि जिस लैवल ते पोलिटिसाइजेशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हो गई है, उदे नाल जिहड़ी साडी जिहड़ी धार्मिक भावना धार्मिक स्पिरिट जिहड़ी है, ते ओ स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट बॉर्न पीपल, आई कॉल सिक्स एज ए स्पिरिट बॉर्न पीपल, ते ओ डायरेक्शनलैस हो गई सारी SGPC। इस लैवल तक उहदी पोलिटिसाइजेशन हो गई कि जिहड़ी रोशनी उत्तों मिलनी सीगी ओ सारा कुछ जिहड़ा सी ओ डिरेल हो गया। ये बहुत बड़ा काम हैगा जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल टकसाली उन्हां दे सामने है। ये सारी गड्डी नूं मुड़ के ली ते लियाउणा, पंजाब दी राजनीति नूं सही सेध देनी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं एक टब्बर दे चुंगल चों आजाद करा के सारी सिख संगत दे सपुरद करना और लोक सभा असेंबली विच सही किस्म की नुमाइंदगी देनी और माफिया डॉन्स तो भी पॉलिटी नू लिबरेट करना, ये बड़िया वड्डिया चुनौतियां ने जिस वास्ते जिस वड्डे कार्ज दे लई मैं अपने सारे साथियों के समेत फैसला किया श्रोमणी अकाली दल टकसाली विच शामिल होने दा। उहदे च इन्हां सारे साथियों की सारे लीडर्स की शेखवा साहब बैठे ने, जनाला साहब बैठे ने और साडे अजीज खास करके बडाली साहब, ही इज़ माई सक्सैसर, ही वॉज MLA फ्रॉम खरड़, मैं इन्हों तो पहला उतों MLA सी, ये जिले के प्रधान रहे ने लगभग 1975 तो असी कट्ठे काम कर रहे हैं, जेलां कट्टियां नज़रबंदियां कट्टियां एमरजेंसी विच और पंथ दे वास्ते भी कुरबानी। मैं ये दसना चाहना कि एमरजेंसी च मेरे ते मैं कला वाहद एक वर्कर सी अकाली दल दा जिहदे ते 33 मुकदमे सन उस वेले, इनकलूडिंग डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 36 43 सडिशन, ते मैं 21 महीने कैद एमरजेंसी च कट्टी है, बाकियां ने 19 कट्टी सी। ते साडे SGPC दे मैंबर हुसैनपुरा साहब भी बैठे ने, ते इस वास्ते ये जिहड़ा वड्डा एजेंडा पंजाब दा पंथ दा लेके ये टकसाली अकाली दल कायम होया और जो प्रोग्राम इन्हां ने उलीकिया हैगा उहदे च एक साथी दे तौर ते उस पद्धति दा एक पांधी दे तौर ते असी सारी टीम ने जो दो साडे साथी पिछले 40 वरिया तो नाल चल रहे ने जिथे जिथे भी किते बैठे ने वो पंजाब विच असी सारिया ने श्रोमणी अकाली दल टकसाली च शामिल होने का फैसला किया है। मुर्गियां वाले तो लभणगे, जिहदे एक मुर्गी आ उहदे कोल छोटा आउंदा, जिहदे कोल दो मुर्गियां उहदे कोल वड्डा आउंदा, लेकिन पंथक दिख खत्म हो गई आ। असी बादल परिवार की तीला तीला कीती हुई वो पंथक दिख जिहड़ी आ वो पंजाब दे कोने कोने चों जाके चुण रहे हां ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪੰਥਕ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।